नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बोरिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने मेरे इस वीडियो में बताया था कि हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरह का होता है, जिसको मैंने काफी अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया था और वीडियो क्लिपिंग भी आपको दिखाई थी। इस मेरे प्रीवियस वीडियो का YouTube लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में बोरिंग मशीन्स का क्लासिफिकेशन और बोरिंग टूल होल्डर्स, बोरिंग मशीन के स्पेसिफिकेशंस, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि बोरिंग मशीन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। बोरिंग मशीन में मेरे प्रीवियस लेक्चर में इसका वर्किंग, इसके ऑपरेशन कैसे ये वर्क करती है, सब डिस्कस कर चुका हूं। तो अब आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोरिंग मशीन को तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन और जिग बोरिंग मशीन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में मेरे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया दूंगा। हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन में चार तरह की होती हैं ये, टेबल टाइप, फ्लोर टाइप और प्लेनर टाइप और मल्टीपल हेड टाइप। काफी कुछ इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, वर्किंग किस तरह की होगी, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इन सभी को वीडियो क्लिप्स के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर आता है वर्टिकल बोरिंग मशीन्स। इसमें एक स्टैंडर्ड टाइप की होती है, एक वर्टिकल टरेट होती है और एक वर्टिकल प्रिसीजन बोरिंग मशीन होती है। लास्ट होती है जिग बोरिंग मशीन। ये बेसिकली होती वर्टिंग देखने में वर्टिकल बोरिंग मशीन जैसी होती है, लेकिन ये बहुत प्रेसाइज, बहुत एक्यूरेट होती है, जो कि सही मायने में देखें तो इंडस्ट्रीज में टूल रूम में, जहां की बाकी मशीनों के लिए टूल्स, कटिंग टूल्स, जिग्स, फिक्सचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर ये यूज होती है। अब हम साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो बोरिंग मशीन्स में जो टूल होता है, यानी बोरिंग टूल होता है, उसको पकड़ा किस तरह से जाता है। टूल यानी टूल होल्डिंग डिवाइसेज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड बोरिंग टूल्स, बोरिंग बार्स, बोरिंग हेड्स। ठीक है, साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मशीन्स के, यानी यदि हम बोरिंग मशीन का कोई ऑर्डर देते हैं परचेज का, तो हमें उसके क्या क्या डायमेंशंस और उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस, यानी क्या क्या उसकी खास खास बातें हमें बतानी होंगी, जिन्हें हम स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। तो आइए अब हम इसका क्लासिफिकेशन में अलग अलग मशीनों के बारे में ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, यह है टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, जिसे मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहां पर केवल इसको इतना डिस्कस करेंगे कि हम बाकी टाइप की मशीनों को इससे डिफरेंशिएट कर सके कि इससे किस तरह से वो अलग है। देखिए, इसमें मैंने बताया था कि ये एक टेबल, ये बेड होता है, बेड के ऊपर सैडल होता है, सैडल के ऊपर एक सैडल और होता है, ये सैडल लॉन्गिट्यूडनल चलता है, एक सैडल ट्रांसवर्स चलता है, फिर उसके ऊपर स्विवेल प्लेट होती है, ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से बताया था, और उसके ऊपर टेबल होती है, इधर हेडस्टॉक होता है और इधर होता है एंड सपोर्ट कॉलम। ठीक है, ये कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन बनावट है जो हर मशीन में होगी। जो मेन डिफरेंस होता है वो यहां पर होता है, इस मैकेनिज्म में, इस व्यवस्था में होता है। यहां पर देखिए, बेड के ऊपर टेबल होती है, टेबल को जो मूवमेंट दिया जाता है, ट्रांसवर्स या रोटरी या लॉन्गिट्यूडनल मोशन, वो बेड के ऊपर ही दिया जाता है, इसलिए इसको, यानी जॉब इस टेबल के ऊपर कसा जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसको बोलते हैं, यहां किसी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मशीन हम कैसे कहेंगे, उसका जो मेन स्पिंडल होता है, किसी भी मशीन का जो मेन स्पिंडल होता है, उसकी एक्सिस का ओरिएंटेशन कैसा है, यानी वो किस तरह से है। यानी जैसे अगर इसकी बात करें तो ये इसका स्पिंडल है, जहां पर कि बोरिंग बार या बोरिंग टूल कसा जाएगा, तो ये इस तरह से है।
बेस के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। ठीक है, तो अगर ये स्पिंडल वर्टिकल हो जाएगा, जैसे हमारी ड्रिल मशीन में होता है, बेंच टाइप ड्रिल मशीन में होता है, तो वो हो जाती है वर्टिकल बोरिंग मशीन। इस मशीन को मैं काफी अच्छे से पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां हम इसे और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, पहले हम इसका एक वीडियो देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन। ठीक है, अभी चाल में चला दो, अभी ये चाल चल गई, आगे पीछे की, पीछे जा रही है, अभी चल रही है, ये रोटर टेबल अभी रैपिड उसमें फीड में घूम रही है। ठीक है, इसको रैपिड में चलाना, ठीक है। आइए अब हम कंस्ट्रक्शन समझते हैं फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन का। यह एक ब्लॉक डायग्राम से समझाया गया है। देखिए, टेबल टाइप बोरिंग मशीन में यहां पर ये टेबल थी जो बेड के ऊपर मूव करती थी। इसमें और टेबल फ्लोर टाइप में फर्क इतना ही होता है कि ये टेबल जो होती है बेड पर मूव नहीं करती है, टेबल सीधे फ्लोर पर, जो भी अपना वर्कशॉप होता है उसके फ्लोर पर ही ये माउंट की जाती है, यानी बेड से इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो कॉलम होते हैं, दोनों कॉलम, मेन कॉलम और एंड सपोर्ट कॉलम, ये अलग अलग क्रॉस रेल्स पर, यानी इस तरह से गाइडवेज होते हैं, फ्लोर पर ही होते हैं वो गाइडवेज, उन पर ये माउंट होते हैं, जैसा कि यहां पर दिखाया है। तो देखिए, ये टेबल है, ये जो है ये टेबल है, सॉरी ये फ्लोर प्लेट है। ये क्या है? फ्लोर प्लेट। वहां पर क्या थी ये? यानी टेबल टाइप में टेबल थी जो बेड के ऊपर चलती थी, यहां पर ये फ्लोर प्लेट है। फ्लोर प्लेट का क्या, सबसे पहले हम बाकी चीजें तो कॉमन है, सबसे पहले हम इसका फंक्शन समझते हैं, ये किस तरह से डिफरेंट है, यानी फ्लोर प्लेट का क्या काम है। देखिए, हम किसी भी जॉब को सीधा फ्लोर पर या फर्श पर या जमीन पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसको बहुत एक्यूरेटली लोकेट करना होता है, साथ ही उसको क्लैंप करना होता है, तो फ्लोर में ऐसी क्लैंपिंग डिवाइसेस नहीं लग सकती। तो हम बेसिकली करते क्या है, जो ये टेबल थी जिस पर मैंने आपको समझाया था पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर में, यहां पर क्लैंप करने के लिए हर एक मशीन का, चाहे कोई सी भी मशीन हो जिसमें टेबल लगी होती है, जिसके ऊपर जॉब कसा जाता है, उस पर हमेशा टी स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, जिनमें टी बोल्ट के द्वारा या एंगल प्लेट के द्वारा या क्लैंप प्लेट्स के द्वारा हम किसी भी जॉब को कस सकते हैं। तो ये जो टेबल है वो सीधी फर्श पर या फ्लोर पर कसी हुई होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्लोर प्लेट। एक फ्लोर प्लेट होती है जिस पर ये मेटल की बनी हुई होती है, बहुत स्टर्डी, बहुत मजबूत होती है, उस पर हम जॉब को कसते हैं। फ्लोर प्लेट के ऊपर टी स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। ये फ्लोर प्लेट जो है ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, बेसिकली ये मशीन जो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर की, इसमें किस तरह के मूवमेंट इस प्लेट में वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बेड नहीं होता है, ये देखने की बात है। बाकी देखिए, दो गाइडवेज होते हैं या रनवेज होते हैं, ये रनवे है, ये रनवे है, ये रनवे है हेडस्टॉक के कॉलम के लिए, ये किसके लिए है? हेडस्टॉक के कॉलम के लिए। ठीक है, और ये रनवे किसके लिए है? एंड सपोर्ट कॉलम के लिए। एंड सपोर्ट है जो इस कॉलम में ऊपर नीचे चलता है। सभी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूं। जैसे ये हेड स्टॉक है, ये इसका स्पिंडल है, ये ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, 6 नंबर मोटर है और 5 नंबर स्पिंडल है। स्पिंडल इसमें आगे पीछे ट्रेवल कर सकता है, यानी ये जो हेड स्टॉक का कॉलम है ये इस तरह से नहीं चलता है, इसमें से स्पिंडल आगे पीछे ट्रेवल करता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और ये रोटेट करता है। यहां पर एंड सपोर्ट बेयरिंग जो है इस एंड सपोर्ट कॉलम में ऊपर नीचे चलता है, साथ ही ये कॉलम इस तरह से भी मूव कर सकता है।
यहां पर जॉब सीधा इस पर माउंट किया जाता है। देखिए टेबल टाइप में क्या था कि टेबल के ऊपर जॉब को माउंट कर दिया, हम जॉब को भी एडजस्ट कर सकते थे। ऊपर नीचे प्रोविजन नहीं होता है इसमें, ऊपर नीचे करने का यानी हाइट एडजस्ट करने का प्रोविजन नहीं होता, अदरवाइज बाकी सभी डायरेक्शंस में जॉब को चलाया जा सकता है। जॉब इसके ऊपर कसा हो तो यूं चल सकता है, यूं चल सकता है और स्वीवेल भी हो सकता है। यहां पर डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर ने इस फ्लोर प्लेट में ऐसी अरेंजमेंट दिए हैं या नहीं दिए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये एक रूटीन हैवी जॉब्स के लिए होता है, लेकिन बहुत बड़े बहुत लंबे और बहुत ज्यादा हैवी जॉब्स हैं जिनको कि बहुत माइनर मैन्युपुलेशन यानी बहुत बारीक सेटिंग संभव नहीं होती है, उनके लिए ऐसे जॉब्स के लिए हम फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन यूज करते हैं। क्लियर है चीज, और बाकी चीजें सभी इसमें कॉमन है। तो डिफरेंस क्या रहा कि यहां पर जॉब सीधा फ्लोर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है उस पर कसा जाता है, ये दोनों बेड पर नहीं होते हैं। फ्लोर बेड पर जॉब जो है वो बेड पर नहीं चलता है, जॉब एक बार कस दिया गया तो वो किसी भी तरह का मूवमेंट उसमें नहीं होता है, जबकि टेबल टाइप में टेबल को हम आगे पीछे से रख के जॉब का मूवमेंट कर सकते थे। यानी इसमें एक बार जॉब कस दिया तो बाकी सभी जो प्रेसिजन सेटिंग करनी है वो सभी इन मूवमेंट्स के द्वारा की जाती है। तो आइए अब हम फ्लोर टाइप फ्लोर प्लेट टाइप यानी फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन का वीडियो देखकर इसे और क्लियर समझते हैं। Lots of heavy cutting. The table can hold up to 100 metric tons and comes in diameters up to 5 meters by 5 meters. As to the traverse, it could either be hydrostatic or 4 linear guideways with 16 carriages. Now the secret is that the rotation actually rests on 2 massive bearings. मैं आशा करता हूं कि वीडियो देखने के पश्चात आपको फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम प्लेनर टाइप बोरिंग मशीन को समझते हैं। देखिए आपने शेपर और प्लेनर के चैप्टर में या शेपर और प्लेनर जब पढ़े होंगे तो उस समय प्लेनर पढ़ा होगा। प्लेनर क्या होता है बेसिकली, प्लेनर में जॉब चलता है और कटिंग टूल स्टेशनरी रहता है, जो यहां पर अपन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसको हम प्लेनर टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपीयरेंस में देखने में प्लेनर टाइप होती है, यानी इसमें जो मूवमेंट होते हैं जैसे प्लेनर में होते हैं वैसे यहां पर होते हैं। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको फ्लोर टाइप में समझाया था, फ्लोर टाइप में जॉब यहां पर फ्लोर प्लेट पर कस दिया जाता है, फिर ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। और टेबल टाइप में टेबल के ऊपर कस दिया जाता है, टेबल बेड पर चलती है। लेकिन प्लेनर टाइप में ये अलग क्यों है बाकी सबसे, तो देखिए टेबल टाइप में ये जो टेबल थी, ये टेबल ये तीन नंबर जो टेबल है ये किस पर थी, सैडल पर थी या स्वीवेल प्लेट पर थी, स्वीवेल प्लेट किस पर थी, सैडल सैडल किस पर था, बेड पर। यहां पर आप देखेंगे तो एक ये ट्रांसवर्स बेड यानी ये मेन बेड था, इसके ऊपर ही सभी चल रही थी किसमें, टेबल टाइप में। लेकिन प्लेनर टाइप में क्या होता है, कम 90 डिग्री पर यानी ट्रांसवर्स मूवमेंट के लिए एक अलग से बेड बनाते हैं, यानी ये टेबल जो है इस लॉन्गिट्यूडनल बेड पर नहीं चलती है। ये जो मैंने देखिए
क्रॉस बेड बनाया है। ये छह नंबर जो है ये क्रॉस बेड, क्रॉस बेड का मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन से 90 डिग्री पर ये होता है, ठीक है, इस पर ये चलती है, क्लियर है चीज। और ये जो दोनों कॉलम है ये लॉन्गिट्यूडनल बेड पर चलते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल बेड पर चलते हैं, और बाकी सभी मूवमेंट्स बिल्कुल कॉमन है, ये सभी चीजें बिल्कुल कॉमन है। केवल और केवल जो इन सभी जो अपन टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन पढ़ रहे हैं इनमें जो व्यवस्था में या मैकेनिज्म में या अरेंजमेंट में चेंज होता है वो केवल और केवल जॉब के मूवमेंट या जॉब को क्लैंप करने की जो डिवाइस है उसमें होता है। तो बेसिकली ये टेबल टाइप और फ्लोर टाइप के बीच की मशीन है। अगर अपन थोड़ा इसको डीप से समझना चाहें तो ये उन दोनों के बीच का कोई जॉब होता है जो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, तो उसको इस पर कसा जाता है, ठीक है, क्लियर है। बाकी सभी चीजें इसमें कॉमन है। तो आइए अब इसे हम वीडियो के द्वारा समझते हैं। अब हम समझते हैं मल्टीपल हेड हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन क्या होती है। जैसे देखिए नाम से ही क्लियर है कि इसमें मोर देन वन हेड होता है, यानी मोर देन वन स्पिंडल इसमें यूज हो सकता है। जैसा फिगर में दिखाया है बिल्कुल क्लियर है, दो कॉलम होते हैं। अब यहां पर देखिए दो कॉलम वो नहीं होते, यानी दोनों ही कॉलम हेड कॉलम होते हैं, क्लियर है चीज, यानी मेन कॉलम होते हैं जो हेड को सपोर्ट करते हैं। एक स्पिंडल इसमें होता है, एक स्पिंडल इसमें होता है, ये स्पिंडल आगे पीछे से रखते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, ये पूरा हेड ऊपर नीचे इस कॉलम में चलता है। सेम ऐसा कैसा यहां पर होता है, इन दोनों कॉलम को, यानी इसमें कोई एंड सपोर्ट कॉलम नहीं होता, यहां बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये रहा कि बोरिंग टूल यो बिल्कुल आर पार नहीं जाता, यानी इसमें जो बोरिंग टूल है, बोरिंग बार है, वो एक ही तरफ से सपोर्टेड होती है, दूसरी तरफ से एंड बिल्कुल उसका फ्री होता है, यानी स्टब, जैसे मैंने आपको बताया स्टब टूल बार होती है वो इसमें यूज होती है, कैंटिलीवर की तरह वो होता है, क्लियर चीज। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि ये बोरिंग हेड है, ठीक है, जिसमें मोटर वगैरह लगी हुई होती है, ऊपर नीचे से रख सकता है, यो हो सकता है, ये स्पिंडल इस तरह से मूव कर सकता है, ये टेबल होती है, ये बेड होता है, क्लियर है चीज। यहां पर जॉब कसा जाता है। अब इन दोनों कॉलम को ऊपर से एक कॉमन क्रॉस रेल, क्रॉस रेल, क्रॉस रेल के द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। इस पर भी एक हेड होता है, मैक्सिमम इस पे दो हेड हो सकते हैं, ऐसा एक और हो सकता है, उनको अलग अलग पोजीशन पर अपन सेट कर सकते हैं। ये भी ठीक वैसा ही हेड होता है, लेकिन ये वर्टिकल होता है, इनकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसकी एक्सिस वर्टिकल है, क्लियर है चीज। अब इसमें देखिए ये हेड इस क्रॉस रेल पर इस तरह से लेफ्ट वार्ड राइट वार्ड मूव कर सकता है, दो होते हैं, दो अलग अलग पोजिशन पर सेट हो सकते हैं, ये स्पिंडल रोटेट करता है। साथ ही साथ इन हेड्स को एंगुलर पोजीशन पर, यानी यदि हमें कहीं होल तिरछा करना है तो इनको ऐसे स्वीवेल या किसी एंगल पर भी सेट किया जा सकता है, क्लियर है चीज। तो इसमें देखिए अब साइमल्टेनियसली एक दो तीन और अगर चौथा और है तो चार कटिंग टूल एक साथ चल सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें एक साथ चार होल को बोर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं वर्टिकल बोरिंग मिल। देखिए ठीक वैसे ही जैसे भी अपन ने देखा था, तो वर्टिकल बोरिंग मिल, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए यहां पर जो टेबल थी, यहां जो ये टेबल थी, ये टेबल पर जॉब फिक्स कर दिया जाता है, इसके बाद में टेबल में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। यहां पर वर्टिकल बोरिंग मशीन में जो टेबल होती है ये बेसिकली रोटरी टेबल होती है, यानी ये टेबल इस तरह से
वो जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट ये टेबल रोटेट करती है, इसके ऊपर जॉब कसा जाता है। और अगर मेनली देखें तो ज्यादातर वर्टिकल मशीनों में टूल किसी तरह का रोटरी मोशन नहीं करते हैं, टेबल रोटेट करती है जिससे रिलेटिव मोशन पैदा होता है और हमें बोरिंग ऑपरेशन प्राप्त होता है। क्लियर है चीज? ये वही दो कॉलम होते हैं, क्रॉस रेल होती है, इस पर दो टूल हेड यहां होते हैं, दो टूल हेड यहां पर होते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि वर्टिकल बोरिंग मशीन में ये टेबल जिस पर जॉब कसा जाता है ये रोटरी टेबल होती है। क्लियर है चीज? तो आइए अब हम इसको वीडियो के द्वारा समझते हैं। जो अपन ने स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन पढ़ी थी उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्शन है ये वर्टिकल टरेट लेथ। बेसिकली हम इसको टरेट लेथ क्यों बोलते हैं, वर्टिकल टरेट लेथ। देखिए हम इस पर जॉब कसते हैं, ये रोटरी टेबल है, इस रोटरी टेबल पर जॉब कसते हैं और सामने ऊपर से टूल आता है। क्लियर है? ये ऊपर नीचे मूवमेंट होता है, टूल को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो ये ठीक वैसे ही हो गया यदि मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, इस तरह से कर दूं इसको, तो ये टरेट तो यहां आ गया और ये टेबल यहां खड़ी हो गई और जॉब इस पर यहां कसा हुआ, जैसे जॉब यहां पर कसा हुआ, यानी इसको मैंने यहां लिटा दिया। अब देखिए ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे ये चक है, लेथ का चक है और सामने से ये टूल आता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेथ हो गई, ये वर्टिकल लेथ हो गई, इसलिए हम कई बार इसे वर्टिकल लेथ भी बोल देते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है, ये दो कॉलम होते हैं, बेड होता है, इसके ऊपर रोटरी टेबल होती है, एक टूल हेड इधर होता है, एक टूल हेड इधर होता है, एक टरेट टूल हेड ऊपर होता है क्रॉस रेल पर। टरेट टूल हेड का मतलब क्या होता है, इस पर एक टरेट लगा हुआ होता है, जो आपने कैप्स्टन एंड टरेट लेथ में पढ़ा होगा। टरेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें फेसेस होते हैं, जैसे सिक्स फेज टरेट मान लेते हैं इस तरह से, ये सिक्स फेज टरेट है, हर फेज पर एक या एक से ज्यादा टूल हम लगा सकते हैं। ठीक है? और मान लेते हैं कि जॉब यहां पर है, पहले ये नीचे आएगा, ये टूल ऑपरेशन करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, जो भी टूल हमें चाहिए इसको रोटेट करके नेक्स्ट टूल यहां पर आ जाएगा। इंडेक्सिंग इसकी होती है, यानी हर ऑपरेशन के बाद में जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो नेक्स्ट टूल अपने आप नीचे आके सही पोजीशन पर लोकेट हो जाता है। इस डिवाइस को हम बोलते हैं टरेट। तो इसमें ये टरेट लगा हुआ था है, कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने स्टैंडर्ड मिलिंग मशीन, स्टैंडर्ड बोरिंग मशीन में देखा था, इसमें यहां पर सिंगल टूल लगता था, एक टूल इसमें, एक टूल इसमें। ठीक है? लेकिन यहां पर हम कई टूल लगा सकते हैं और जरूरत के अनुसार, लेकिन एक बार में एक ही टूल काम करेगा, जब वो टूल काम कर देगा उसके बाद में दूसरा टूल आ जाएगा, यानी हमें टूल की सेटिंग एक ही बार करनी पड़ेगी, कई टूल्स की सेटिंग हम एक ही बार कर सकते हैं, फिर वही ऑपरेशन हम एक सीक्वेंस में जॉब के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था वर्टिकल टरेट लेथ या वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो आइए इसे अब हम एक वीडियो के द्वारा समझते हैं।
आइए अब हम समझते हैं कि बोरिंग मशीन में बोरिंग टूल को किस तरह से पकड़ा जाता है, यानी बोरिंग टूल होल्डिंग डिवाइसेस। तो देखिए ये मैंने इस फिगर में बोरिंग टूल दिखाया है जो एक सॉलिड टिप्ड कार्बाइड टिप्ड सॉलिड बोरिंग टूल है। कार्बाइड टिप्ड का मतलब जैसा आपने पढ़ा होगा मेटल कटिंग में या कटिंग टूल्स में इस तरह से एक डायमंड शेप की कार्बाइड टिप्स आती हैं, ठीक है। और इन्हें हम किसी भी टूल बार या टूल शैंक के ऊपर ब्रेजिंग के द्वारा इनको यहां पर जोड़ देते हैं हम, ठीक है। ये फिर यहां पर कटिंग एज होता है जिससे कटिंग होती है, क्लियर है जी। जैसा यहां पर मैंने दिखाया तो सॉलिड क्यों बोला, क्योंकि ये पूरा सिंगल पीस है। ये कार्बाइड टिप्ड भी होता है, फोर्स्ड स्टील की भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम किस मेटल को काट रहे हैं। तो ये जो है सॉलिड बोरिंग टूल्स हैं जिन्हें हम स्पिंडल में पकड़ते हैं, या अगर लेथ पर हम बोरिंग कर रहे हैं तो इसको टूल पोस्ट में हम ग्रिप करेंगे या पकड़ेंगे। ये इसका शैंक कहलाएगा, ये कार्बाइड टिप्स हैं। इंसर्टेड कार्बाइड टिप्स भी हो सकती हैं। इंसर्टेड का मतलब ये होता है, यहां तो देखिए मैंने क्या बोला, ब्रेजिंग के द्वारा। जैसे मान लेते हैं ये टूल का शैंक है, ये टूल का शैंक है, यहां पर मैंने कार्बाइड टिप को इसके ऊपर वेल्ड कर दिया यानी ब्रेज कर दिया, एक तो ये परमानेंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसमें यहां पर एक होल होता है और इस शैंक में जो इसके ठीक नीचे होल है उसमें चूड़ियां होती हैं, थ्रेडेड होता है, तो हम इसको स्क्रू के द्वारा भी कस सकते हैं। और जब ये खराब हो जाता है, बिल्कुल ब्लंट हो जाता है, तो हम इसको स्क्रू को खोलकर दूसरा टिप इस पर लगा सकते हैं। ये शैंक जो है रीयूजेबल होता है। तो ये तो हुआ सॉलिड कटिंग टूल। अब बेसिकली होता क्या है कि ये तो तब काम आते हैं जब छोटे जॉब हमें मशीन करने हो, या छोटे जॉब या छोटे डायमीटर्स की बोरिंग करनी हो जैसे लेथ पर। लेकिन अगर बड़ी बोरिंग मशीन, मैंने आपको जैसे सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बोरिंग मशीन वहां पर यूज होती है जहां पर कि जॉब बहुत बड़े हैं, बहुत हैवी हैं, और उनके जो डायमीटर जो कि बोर करने हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, तो वहां पर बेसिकली ये यूज नहीं होते। वहां पर हम यूज करते हैं बोरिंग बार या बोरिंग हेड। तो अब मैं पहले आपको समझाऊंगा बोरिंग बार क्या होती है। देखिए बिल्कुल जैसा क्लियर है नाम से ही, बोरिंग बार क्या होगी, इसमें एक बार होगी, एक छड़ होगी, ऐसे एक छड़ होगी, मान लेते हैं ऐसे एक गोल छड़ है, ठीक है। अब इसमें जैसे यहां पर एक थ्रू होल है और इसमें मैंने ये जो बोरिंग टूल है वो यहां पर इसमें आर पार इसमें एक थ्रू होल है जिसमें मैंने इसको कसा और एक थ्रेडेड जो स्क्रू होता है उससे इसको टाइट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोरिंग बार है, इसमें एक आर पार होल है जिसमें मैंने बोरिंग टूल इसमें डाला और यहां से साइड से स्क्रू से इसको मैंने कस दिया, एकदम परफेक्ट फर्मली इसको कस दिया जाता है। फिर ये जो अब ये जो चीज है ये जो चीज है ये कहलाती है बोरिंग बार, बोरिंग बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टिप हम इसमें ये जो कटिंग टूल इसमें जो इंसर्ट करके स्क्रू से कस रहे हैं इसको बदला जा सकता है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हम दूसरा भी इसमें लगा सकते हैं, तो ये कॉमन रहता है, क्लियर है चीज। तो ये जो टूल होल्डर हुआ ये क्या कहलाएगा, बोरिंग बार। और ये बोरिंग बार फिट कहां पर होगी, बोरिंग बार फिट होगी जो भी बोरिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये बोरिंग मशीन हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो स्पिंडल है इसका जो इंटरनल डायमीटर है जहां पर टेपर होता है मोस्ट टेपर होता है, और ये जो बोरिंग बार है इस पर भी पीछे टेपर होता है। तो जैसे हम ड्रिल को इंसर्ट करते हैं इसमें, जैसे ये मान लेते हैं टेपर है, जैसे ये टेपर है तो इसको मैं इसमें जोर से पुश करूंगा तो ये ग्रिप हो जाएगा बहुत अच्छे से इसमें, ठीक है। तो ये जो कहलाती है व्यवस्था ये कहलाती है बोरिंग बार। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि बोरिंग बार का डायमीटर ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इसमें स्ट्रेंथ रहे। और ये जो ओवरहैंग है यानी ये जो टूल जितना बाहर निकल रहा है ये कम से कम बाहर निकले, क्योंकि बेसिकली ये कटिंग कैसे करेगा, ये जॉब है ये डायमीटर मान लेते हैं इसका बोर करना है, ये डायमीटर बोर करना है, ये बोरिंग बार है, इधर से टूल पोस्ट पर कसी हुई है, तो जो ये टूल है ये इस तरह से प्रोजेक्टेड होता है इसमें,
इस तरह से, और ये यहां से ये कटिंग करता है। तो ये जितना ज्यादा बाहर निकला हुआ होगा यानी जितना ओवरहैंग होगा उतना ही इसके टूटने के चांस ज्यादा रहते, तो हम इस ओवरहैंग को कम से कम रखते हैं। साथ ही देखिए यहां से भी इस बोरिंग बार का भी ओवरहैंग बहुत ज्यादा है, कटिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो ये इस तरह से बेंड होने की कोशिश करेगी, इसलिए इसमें स्ट्रेंथ रहे। हम चाहते हैं कि ये जो डायमीटर बोरिंग बार का ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन ये डायमीटर लिमिटेड हो जाता है किसके द्वारा, कि जो ये स्पिंडल है, जो मशीन का स्पिंडल का जो होल है जिसमें बोरिंग बार जाएगी, सामान्य तौर पर उससे जनरली उससे ज्यादा डायमीटर का बोरिंग बार नहीं बना सकते। तो बोरिंग बार कहां पर काम आएगा? बोरिंग बार केवल वहीं काम आएगी जहां पर जॉब जो है उसमें जो होल है उसका डायमीटर कम है। अगर ये डायमीटर ज्यादा होगा, ठीक है, तो बोरिंग बार तो स्पिंडल के डायमीटर पर निर्भर करेगा, बोरिंग बार का डायमीटर, और मान लेते हैं कि ये डायमीटर अब इतना है जिसको हमें बोर करना है। अब बोरिंग बार का डायमीटर तो यही है, तो ये जो टूल है देखिए ओवरहैंग कितना हो गया, जो पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट बोर नहीं होगा, ये टूट भी सकता है। तो इस केस में अब हम क्या करें, इस केस में हम यूज करते हैं बोरिंग हेड्स। ठीक है, तो बोरिंग हेड्स और बोरिंग बार्स, ये सभी मैं अभी आपको वीडियो क्लिप में भी दिखाऊंगा। ये है बोरिंग हेड। देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया कि अगर ये डायमीटर ज्यादा है तो ये ओवरहैंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टूल में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि ये फोर्सेस को सहन कर सके, और ये ओवरहैंग ज्यादा है तो ये टूट जाएगा। तो हम कॉमनली क्या व्यवस्था करते हैं कि बोरिंग बार का डायमीटर तो लिमिटेड हो गया यानी फिक्स हो गया, किसके द्वारा, जो मशीन का स्पिंडल है उसके इंटरनल डायमीटर के द्वारा, इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर, बोरिंग बार के ऊपर, एक एक्स्ट्रा क्लैंपिंग डिवाइस यानी टूल होल्डिंग डिवाइस इसके ऊपर हम लगा देते हैं, और वो इस बार पर किसी भी पोजीशन पर फिक्स की जा सकती है। इसका एक एडिशनल एडवांटेज हो गया कि अभी देखिए बोरिंग बार में जहां होल है वहीं ये टूल फिट हो सकता है। हम चाहें कि बोरिंग बार में इसको यहां फिट कर ले, नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यहां होल नहीं है, लेकिन ये जो डिवाइस मैंने एक्स्ट्रा लगाई जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरिंग हेड, इसको मैं एक्सियली इस बोरिंग बार पर कहीं भी क्लैंप कर सकता हूं। ये मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर या हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है उसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो एडिशनल मैंने डिवाइस बनाई है इसको बोलते हैं बोरिंग हेड। ये काफी स्टर्डी, काफी इसका अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन काफी मोटा होता है, बड़ा होता है, भारी होता है। तो अब इसमें देखिए पहले क्या व्यवस्था रही बोरिंग हेड की, सबसे पहले बोरिंग बार के ऊपर हमने बोरिंग हेड को फिट किया, रिक्वायर्ड लोकेशन पर फिट किया, फिर उसमें हमने कटिंग टूल को फिट किया। तो देखिए कटिंग टूल का ओवरहैंग बहुत कम है, साथ ही साथ इसका एक एडवांटेज और है कि हम एक साथ कई टूल इस पर लगा सकते हैं, एक टूल इधर तो एक टूल इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसे देखिए कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पहले अगर एक ही डायरेक्शन होता तो इस पर इधर फोर्स लगता तो इधर बैंड होती, लेकिन अब दोनों तरफ है तो कटिंग फोर्सेज भी इससे बैलेंस हो जाते हैं। क्लियर है चीज? तो यहां पर इसको हम बोलते हैं, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, बोरिंग हेड। तो देखिए ये बोरिंग हेड मैंने यहां पर एक दिखाया है, ये बोरिंग बार या कोई मैंड्रेल है, मैंड्रेल हम किसको बोलते हैं, एक स्ट्रेट रॉड को, इसके ऊपर देखिए ये की के द्वारा ये जो बोरिंग हेड की बॉडी है, ये बोरिंग हेड है जैसा मैंने यहां बताया था कि ये एक बोरिंग हेड है जिसको हम कहीं भी इसको लोकेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल बोरिंग हेड मैंने दिखाया है, ये एक बोरिंग हेड है, इस बोरिंग हेड में ग्रूव्स कटे हुए हैं जिसमें हम कटर को, जैसे कटर को मैंने इसमें यों लगा दिया और स्क्रू से इसको टाइट कर दिया, दो कटर हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं, और इसको स्लाइड करके, देखिए की वे है, स्लाइड करके हम बोरिंग बार के ऊपर कहीं भी कस सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बोरिंग मशीन में कौन कौन सी टूल होल्डिंग डिवाइसेज होती हैं जो मैंने यहां पर बताई।
अब आता है वर्क होल्डिंग डिवाइसेज। तो वर्क होल्डिंग डिवाइसेज स्पेसिफिकली हमें पढ़ने की यहां पर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो कॉमन वर्क होल्डिंग डिवाइसेज जो मिलिंग मशीन में यूज होती है वो यहां हो सकती है, जैसे एंगल प्लेट हो सकती है, टी बोल्ट्स हो सकते हैं, टेबल में टी स्लॉट्स होते हैं उन पर उसको कस सकते हैं, तो वो कॉमन डिवाइसेज है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मशीन्स के स्पेसिफिकेशंस। To match these angles. All right, we're going to put our set screw in there and put that bit in there. Have it stick proud of the end just a little bit. And that set screw will kind of square this up. Oops. Got a little bit more. Kind of drew it up in there. And tighten that down. Okay, hopefully that will work really well. Alright, I think that's done. Thanks for watching. Okay, told you it was annoying. So, you wind that in, you can feel how much sort of drag there is on the gear, I suppose. And depending on how you want it, you can set that. Obviously you don't want it loose, but yeah, that's probably a bit nicer. So I normally just slacken that off, set the dimension that I require, and then just pinch that back up. It only needs a pinch, it'll hold nice and tight. But yeah, that's how it works basically. Obviously it's rotating, and you're... Just it. I just want to release the tension on the gib, and then I'm going to increase by another 1/4 millimeter, so that round to 25. Put it there. Can't see. And then another 5 to go. Okay, that's now set at 25. Let's move the cutter 1/4 millimeter in. Just pinch the gib back up, and we're ready to cut again. देखिए मशीन के स्पेसिफिकेशन से क्या मतलब होता है। मशीन के स्पेसिफिकेशन से यह मतलब होता है कि यदि हमें इस मशीन को, किसी भी मशीन को परचेज करने का ऑर्डर देना है, तो हमें मशीन के बारे में क्या क्या बताना होगा मैन्युफैक्चरर को, ताकि जो हम चाहते हैं ठीक वही मशीन हमें मिले। तो देखिए हर मशीन के स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं मोटरसाइकिल लेने जाता हूं तो मुझे यह बताना होगा कि किस कंपनी की चाहिए, कितने सीसी की चाहिए, कितना उसका टॉर्क होना चाहिए, टायर्स व्हील बेस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बतानी होती है, टेक्निकल बातें। तो वही चीजें इस, अगर यदि हम बोरिंग मशीन खरीदने जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ मशीन बताना होगा, यानी मशीन ओरिजेंटल है या वर्टिकल है। ठीक है, या जिग बोरिंग मशीन है या प्रेसिजन मशीन है, इस तरह से हमें उसको बताना होगा। फिर
जो बोरिंग बार, बोरिंग बार का मतलब जो उसके स्पिंडल में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बोरिंग बार कितना आ सकता है वो हमें बताना होगा, यानी ये जो स्पिंडल का इंटरनल डायमीटर है जहां पर कि बोरिंग बार इसमें आकर फिट होगी। तो बोरिंग बार मैंने आपको बताया, बोरिंग बार का कोशिश करते हैं कि डायमीटर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द स्पिंडल, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द स्पिंडल का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था ये स्पिंडल जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है, तो ये मैक्सिमम कितना ट्रेवल कर सकता है। देखिए स्पिंडल यहां से यहां तक ट्रेवल नहीं करता है, ध्यान रखिए। स्पिंडल जो है बोरिंग बार लंबी हो सकती है, यानी शुरू में ही यदि लंबा हमें होल्ड बोर करना है तो बोरिंग बार, देखिए ये बोरिंग बार जो है वो लंबी भी हो सकती है, यानी ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही ये बोरिंग बार एंड सपोर्ट कॉलम में सपोर्टेड हो सकती है यहां पर। लेकिन बोरिंग टूल तो यहां पर है, बोरिंग टूल यहां पर लगा हुआ है, तो ये जो बोरिंग बार है इसका ट्रेवल एक्सियल ट्रेवल यानी एक्सियल डायरेक्शन में ये कितना चलेगा, ऐसे हम कितना चाहते हैं कि ये ऐसे चले, यानी जो कटिंग टूल है ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये पूरा पूरी डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है इतना चले, ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से होगा। तो बोरिंग बार का ट्रेवल मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द स्पिंडल, यानी ये बोरिंग बार किस में लगी हुई है, इस स्पिंडल में लगी हुई है, तो ये जो स्पिंडल है इसका ट्रेवल जो मैंने बताया था हेड स्टॉक एक्सटेंशन जो होता है इसमें पूरा मैकेनिज्म होता है इसको आगे पीछे चलाने के लिए, ये मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो ये कितना होना चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी हमें मैन्युफैक्चरर को बताना होता है। ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि मैक्सिमम कितना लंबाई का होल हम बोर करना चाहते हैं, क्लियर है ये चीज। फिर इसके बाद में आता है टेबल का ट्रेवल, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल इस पर जिस पर जॉब लगेगा ये इस डायरेक्शन में यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम चलना चाहिए, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यहां से यहां तक मैक्सिमम कितना ट्रेवल होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। तो ये भी हमें मैन्युफैक्चरर को बताना होगा कि ये कितना ट्रेवल इसका होना चाहिए, टेबल का ट्रेवल है यानी इसका कितना चलेगा ये क्रॉसवर्ड और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है स्पिंडल स्पीड एंड फीड। देखिए ये स्पिंडल स्पीड से हमारा क्या मतलब है, स्पिंडल स्पीड से मतलब है कि ये जो स्पिंडल है ये कितने आरपीएम पर घूमना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि जो हम डाया बोर कर रहे हैं, जैसे ये छोटा डाया है या ये बड़ा डाया है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ये यहां पर जो टूल टच होगा इसकी वेलोसिटी क्या है। हम जानते हैं वेलोसिटी होती है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो अगर ये रेडियस कम है और रेडियस ज्यादा है, दो केस है, रेडियस कम और रेडियस ज्यादा, और सेम आरपीएम यानी सेम ओमेगा पर ये घूम रहा है, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जो पॉइंट दूर है, यानी जब हम बड़ा डाया बोर करते हैं तो आरपीएम कम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो कटिंग वेलोसिटी यानी इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है, टूल यहां पर टच होगा इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है इस बात पर डिपेंड करती है कि किस मटेरियल के जॉब को हम काट रहे हैं और किस मटेरियल के टूल से काट रहे हैं, तो वो फिक्स हो जाती है। तो जब वेलोसिटी फिक्स हो गई तो आरपीएम जो है वो छोटे जॉब के लिए ज्यादा होगा और बड़े जॉब के लिए कम होगा, क्योंकि जो लीनियर वेलोसिटी है वो होती है कटिंग स्पीड। तो इसलिए हम चूंकि अलग अलग डायमीटर के होल बोर करना चाहेंगे एक ही मशीन पर, तो हमें एक रेंज चाहिए कि इतने से इतने आरपीएम तक ये स्पिंडल स्पीड होनी चाहिए, और ये स्टेप्स में होती है, जैसे 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 400 आरपीएम, 800, ऐसे स्टेप्स में। रेंज क्या होगी, 100 से मान लेते हैं 100 आरपीएम से 1200 आरपीएम तक रेंज हमें चाहिए, लेकिन स्टेप्स में। तो ये कैसे प्रोवाइड की जाती है, इसके अंदर गियर बॉक्स होता है जिनको चेंज करके हम ये काम कर सकते हैं, तो ये भी हमें मैन्युफैक्चरर को बताना होगा। फिर इसके बाद में आता है फीड। फीड का क्या मतलब है, फीड का मतलब ये होता है कि ये स्पिंडल घूम तो रहा है लेकिन जॉब में किस स्पीड से अंदर जा रहा है, यानी एक्सियल डायरेक्शन में जो ये स्पिंडल है किस स्पीड से आगे चल रहा है। स्पीड का मतलब क्या हुआ कि स्पिंडल के एक चक्कर में ये कितना आगे सरकता है,
कौन? स्पिंडल। तो स्पिंडल में क्या लगा हुआ है? बोरिंग बार। बोरिंग बार में क्या लगा हुआ है? कटिंग टूल। इसका मतलब टूल किस स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए जो बोरिंग बार है वो घूम भी रही है और आगे भी चल रही है। तो पर रिवोल्यूशन इसके प्रति चक्कर में ये कितना आगे सरकता है मिलीमीटर में, इसको हम बोलते हैं मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन, इसको बोलते हैं फीड रेट। तो ये भी डिपेंड करेगा, ये हमें बताना होगा कि हम किस फीड रेट के हिसाब से गियर बॉक्स इसका चाहते हैं, क्योंकि ये फीड रेट जो होती है आगे पीछे सरकना है इसका पर रिवोल्यूशन, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें क्या मैकेनिज्म लगाया जाएगा। क्लियर है चीज? फिर इसके बाद में आता है मैक्सिमम अलाउएबल वेट ऑफ द जॉब। देखिए अब इसमें जो टेबल टाइप जो बोरिंग मशीन होती है, ये टेबल सिविल प्लेट पर होती है, फिर सैडल पर होती है, सैडल बेड पर होता है, यानी सभी में बेयरिंग्स लगे होते हैं, लीड स्क्रू लगे हुए होते हैं, उनको इसका वेट झेलना होता है। तो इनकी स्ट्रेंथ इसी बात पर निर्भर करेगी कि कितना वेट इसके ऊपर आएगा, यानी जॉब का साइज के अलावा, डायमेंशंस के अलावा हमें यह भी बताना पड़ेगा कि भारी से भारी हम कितना जॉब इसके ऊपर माउंट करेंगे, उसी हिसाब से इनके बियरिंग्स, इनके लोड बियरिंग सर्फेसेस डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए हमें कितने पावर की मोटर चाहिए यह भी हमें बताना होगा। क्योंकि कितना हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, कितना फीड दे रहे हैं, ये सभी चीजों पर निर्भर करेगा कि कितने हॉर्स पावर की मोटर इसमें लगाई जाए। ठीक है, तो हमें यह भी बताना होगा कि कितने हॉर्स पावर की हमें इसमें मोटर चाहिए। फिर आता है हाइट ऑफ द कॉलम। देखिए ये कॉलम की हाइट कितनी होगी, क्यों? क्योंकि ये कॉलम की हाइट किन किन बात पे, किन किन फैक्टर्स पे, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? सबसे पहले तो इस बात पर डिपेंड करेगी कॉलम की हाइट कि हमें जो जॉब लगाना है इसमें वो कितनी हाइट का लगाना है। जॉब मैक्सिमम हाइट क्या होगी, क्यों? क्योंकि ये हेड स्टॉक भी ट्रेवल करेगा ऊपर, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना होगा कहां हम उसमें बोर करना चाहते हैं। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज कि ये जो कॉलम है, इन कॉलम के ऊपर भी हमें स्पेस चाहिए, जिस शॉप फ्लोर पर ये लगेंगे वहां पर, इस पर के ऊपर भी हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मूविंग पार्ट्स भी हो सकते हैं, इसके ऊपर हमें क्रेन भी लगानी पड़ सकती है भारी जॉब को इस पर माउंट करने के लिए। तो उस हिसाब से हमें ये बताना पड़ेगा हमारी जो आवश्यकता उसके हिसाब से इनकी कॉलम की हाइट हमें क्या चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है टेबल और फ्लोर प्लेट साइज। देखिए अभी जो मैंने बताया वो बताया टेबल का ट्रेवल। टेबल किसी भी साइज की हो सकती है लेकिन उसका ट्रेवल अलग चीज है कि जैसे ये टेबल है, मान लेते हैं जैसे ये टेबल है, अब किसी भी साइज की हो, अलग अलग साइज की टेबल की ट्रेवल सेम हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से एक ही बराबर दूरी चल सकती है मैक्सिमम, छोटी टेबल भी और बड़ी टेबल भी। तो टेबल का साइज अलग चीज होता है और टेबल का ट्रेवल अलग होता है। तो अभी अपन ने पहले ट्रेवल बताया था, अब साइज। साइज किस बात पर डिपेंड करेगा? साइज इस बात पर डिपेंड करेगा कि जॉब की मैक्सिमम डायमेंशंस क्या होंगी जो इसके ऊपर माउंट किया जाएगा। अगर बड़ा जॉब माउंट करना है तो बड़ी टेबल चाहिए, तो इसकी डायमेंशन हमें बतानी होंगी। सामान्य तौर पर हम उनको मिलीमीटर में बताते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक मीटर है यानी 1000 मिलीमीटर, और ये दो मीटर है तो 2000 मिलीमीटर, ऐसे हमें टेबल का ओवरऑल साइज बताना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि जॉब का साइज मैक्सिमम साइज क्या होगा। फिर इसके बाद में आता है ग्रॉस वेट ऑफ द मशीन। ग्रॉस वेट का मतलब क्या है? ये पूरी मशीन अगर हम जोड़ दें, असेंबल कर दें, तो इसका टोटल वेट कितना होगा? क्यों? ये कई जगह पर ये वेट काम आएगा, जैसे ट्रांसपोर्ट में अगर बहुत ज्यादा भारी मशीन हो जाएगी तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? फैक्ट्री से जहां ये बनी है वहां से अपने वर्कशॉप तक कैसे लेके आएंगे? दूसरा, मान लेते हैं ये इतनी भारी है कि जहां हम इसकी फाउंडेशन बनाएंगे वहां की जो मिट्टी है वो इसके लोड को बियर नहीं कर सकती है, या जहां पर इसको लगाएंगे वहां फाउंडेशन किस तरह की बनानी चाहिए इसके वेट के हिसाब से। यानी अल्टीमेटली ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ओवरऑल वेट यानी ग्रॉस वेट इसका कितना होगा। फिर इसके बाद में आता है ओवरऑल डायमेंशंस। देखिए ये भी ठीक वैसे ही है जैसे ओवरऑल वेट।
ओवरऑल डायमेंशंस का मतलब ये होता है कि बाहर से बाहर इसकी अधिकतम डायमेंशंस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अधिकतम कितनी होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है अगर ये, तो रास्ते में जब ट्रांसपोर्ट इसको करेंगे तो ब्रिजेस वगैरह आएंगे, फ्लाईओवर्स आते हैं या बिजली के तार आते हैं, वहां दिक्कत आएगी। दूसरा, जब हम इसको हमारे शॉप फ्लोर में माउंट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वहां पर क्या इतना हाइट के हिसाब से इतना स्पेस है कि ये वहां पर एकोमोडेट हो जाए, वहां पर समाहित हो जाए। दूसरा, इसके ऊपर यदि हमें कोई जिप क्रेन लगानी है या कोई ईओटी लगानी है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रक लगाना है, ताकि जो हैवी जॉब से इसके ऊपर लाके और माउंट किए जा सके, उनके लिए जगह है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें ओवरऑल डायमेंशंस चाहिए होती है। क्लियर है? या जहां से इसको एंट्री देनी है वर्कशॉप के अंदर, क्या वो इतना चौड़ा होगी जगह, वो सब बातें इसकी ओवरऑल डायमेंशंस पर निर्भर करती हैं। तो मैं समझता हूं कि आज आपको इसका क्लासिफिकेशन, टूल होल्डिंग डिवाइसेस, इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम टूल होल्डिंग डिवाइसेज यानी सॉलिड टूल बार, बोरिंग बार और बोरिंग हेड्स के वीडियो देखते हैं, तथा मैं समझता हूं कि आपको अब बहुत ज्यादा अलग से किसी चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।